अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे PCOS की मैनेजमेंट के हवाले से। अगर किसी को PCOS है तो उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, कौन से न्यूट्रोसोटिकल्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल करने चाहिए। स्टार्ट हम करेंगे प्री ब्रेकफास्ट से, या बल्कि हम स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों से जो आपको PCOS में इस्तेमाल करनी चाहिए, और फिर मैं वो आपको डाइट प्लान में एडजस्ट भी कर दूँगी। सबसे पहली चीज़ आती है मेथी दाना। मेथी दाना चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है, PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो मेथी दाना बहुत इफ़ेक्टिव है PCOS को लेकर। अजवाइन फीमेल हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी है, और अजवाइन के साथ हल्दी और अलसी, ये तीन वो चीज़ें हैं जो हर फीमेल को वैसे भी लेनी चाहिए, चाहे आपको PCOS हैं चाहे आपको PCOS नहीं है। हल्दी, अलसी, अजवाइन हर फीमेल की डाइट में होनी चाहिए, बिकॉज ये फीमेल हेल्थ को अच्छा करती हैं, और जिसको PCOS है उसमें भी ज़ाहिर है ये हेल्प करेंगी। अलसी के इस्तेमाल का तरीका ये होता है, इसको दादड़ करके लिया जाए, इसको ग्राइंड करके अगर आप ले रहे हैं तो आप सारी अलसी ज़ाया कर रहे हैं। ग्राइंड करके नहीं लेना, दादड़ करके मोटा मोटा कूट के विद इन 20 मिनट्स इसको खाना ज़रूरी होता है। इससे अगली चीज़ जो PCOS में बहुत अच्छी है वो है दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा। दोनों चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, और PCOS में अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज कर लेते हैं तो PCOS काफ़ी हद तक आपका बेहतर हो सकता है। जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो है दूध और दूध की बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे दही हो गया या चीज़ वगैरह हो गए, हर वो चीज़ जो दूध से बनी है वो आपने इसमें अवॉइड करनी है, बिकॉज दूध जो है वो या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड्रोजन बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से PCOS जो हैं वो वर्स हो सकते हैं। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और बाहर का फूड जितना हो सके वो आपने अवॉइड करना है। डाइट प्लान क्या होगा वो मैं आपको बताती चलूँ। सुबह आपने सबसे पहले लेना है मेथी दाना और अजवाइन का पानी, एक चुटकी अजवाइन एक चुटकी मेथी दाना, रात को एक कप पानी में भिगो के रख दें, उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक वो आपने पानी पीना है। नाश्ता आप रखें ब्रैन ब्रेड का एक स्लाइस, एक अंडा, और उसके साथ एक सेब का इस्तेमाल कर लें। नाश्ते के एक घंटे बाद अगर आप चाय के आदि हैं, चाय में दूध नहीं होना चाहिए, है भी तो बराए नाम होना चाहिए, बिकॉज एक ही चीज़ मैंने आपको बताई है जो PCOS में जहर है वो है दूध या दही। जहर तो खैर नहीं है, लेकिन जो PCOS में मना है वो दूध और दही है, तो दूध से चाय बना के नहीं इस्तेमाल करनी। इतना सा दूध, बाकी सारा पानी होना चाहिए। पत्ती आप जितनी मर्जी ले लें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम। जो शुगर के पेशेंट्स की डाइट होती है वही PCOS के पेशेंट की कहीं ना कहीं डाइट होती है, तो चीनी का, शक्कर का, गुड़ का इस्तेमाल सख्ती से मना है। हर वो चीज़ जो शुगर के पेशेंट को मना है वो PCOS के पेशेंट को मना है, बस इतनी सी चीज़ समझ लें, बिकॉज दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हर वो चीज़ जो शुगर के पेशेंट को मना है वो PCOS के पेशेंट को भी मना है। 11 से 12 बजे के करीब कोई एक फल खा लें, वो फल जो शुगर के पेशेंट को मना है वो आपको भी मना है। केला, आम, अंगूर, जापानी फल जितना हो सके वो आपने अवॉइड करना है। दोपहर के खाने में ज़्यादा सारा सैलड, कच्ची सब्जियों का सैलड होना चाहिए, उस पर आपने दादर करके एक चाय का चम्मच अलसी और उसके ऊपर एक चाय का चम्मच सेब का सिरका ज़रूर डाल देना है। सेब का सिरका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेगा, अलसी वैसे फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो PCOS में भी आपको हेल्प करेगी। उसके साथ मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें। मल्टीग्रेन आटा जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर है गंदम के निस्बत। जौ की रोटी भी ली जा सकती है, लेकिन मल्टीग्रेन आटे में फाइबर ज़रा डिफरेंट तरह का आ जाता है, तो वो ज़्यादा मेरी नज़र में बेहतर है। तो मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी ले लें, उसके साथ सालन जितना मर्जी, जौन सा मर्जी, बस दाल और आलू मना है। शाम 5 से 6 बजे के करीब ग्रीन टी का एक कप लेना है, और उसके अंदर आपने ग्रीन टी में दालचीनी को या जीरे को पकाना नहीं है, आपने पूरी ग्रीन टी तैयार करके उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको ढक के रख दिया। एक दिन आप दालचीनी लेंगे, नेक्स्ट डे आपने एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डालना है और उसको ढक के रख देना है। इसको चूल्हे पे नहीं पकाना, ना दालचीनी चूल्हे पे पकानी है ना सफ़ेद ज़ीरा, फिर ये गर्म हो जाते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो ग्रीन टी के साथ आपने एक मुट्ठी मिक्स नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, जो नट्स आपको पसंद है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे मुट्ठी नहीं बंद करनी, एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो लेने हैं। रात के खाने में एक और चीज़ जो PCOS के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट की जाती है वो है चिकन। चिकन का PCOS से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी हार्मोन उस कुकिंग को सर्वाइव ही नहीं कर सकता जिस टेम्परेचर पे हम चिकन को बनाते हैं। या तो हो कि हम रॉ चिकन ले रहे हो, उस केस में भी चिकन PCOS को फ्लेयर अप नहीं करेगा, चिकन PCOS को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मुर्गी को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं तो भैंस को भी लगते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा ले। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आजकल मार्केट में आते हैं उनमें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे होते हैं ताकि उनका साइज़ बड़ा हो जाए, तो इंजेक्शन तो हर चीज़ को लगे हुए हैं। कुकिंग को कभी भी मुर्गी में जो हार्मोन्स हैं वो सर्वाइव नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात के खाने में या तो एक कप दाल का इस्तेमाल कर लें, या चिकन को ग्रिल करके ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के साथ ले लें। सोते वक्त इस्बगोल का इस्तेमाल करें, 1 खाने का चम्मच इस्बगोल 2 ग्लास पानी के साथ, 1 खाने का चम्मच इस्बगोल पानी में डाल के जब वो थोड़ा फूल जाए वो पीना है, और उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लेना है।
मैं फिर रिपीट कर दूं, चिकन का पीसीओएस से ताल्लुक नहीं है, डेयरी का पीसीओएस से ताल्लुक है। शुक्रिया।